फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलकेजी का सिलेबस। कई स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी को एक साथ पढ़ाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रेप या किंडरगार्टन भी कहा जाता है, और कई जगह सिर्फ एलकेजी अलग से पढ़ाया जाता है, यूकेजी अलग से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैं एलकेजी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। जनरली एलकेजी में चार सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल साइंस एक साथ ही होता है, और हिंदी, और कई जगह रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी। मैथ्स के सिलेबस में हमको कराया जाता है शेप। अब शेप कौन कौन से होते हैं? सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सब कुछ एलकेजी में पढ़ा दिया जाता है, और टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में ये सारे शेप्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। कुछ सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, जैसे कि फाइंड ऑड वन आउट थिंग्स दैट गोज टुगेदर, एक सारी चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना है और जो भी ऑड वन है उसको सर्कल कर देना है, जैसे कि एक जैसी चीज़ों को आपको पहचानना है, जो भी उसमें ऑड वन होगा उसको हमें सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है नंबर रिसाइटेशन। कुछ स्कूलों में नंबर्स 1 to 50 कराया जाता है और कुछ स्कूलों में 1 to 100। ऑब्जेक्ट्स, डॉट्स, फिगर काउंटिंग सिखाई जाती है 1 to 20। नंबर्स राइटिंग कराए जाते हैं 1 to 20, और नंबर नेम्स भी कराए जाते हैं 1 to 10 या कभी कभी 1 to 20 भी। कुछ स्कूल 1 to 10 कराते हैं और कुछ स्कूल 1 to 20 कराते हैं, जैसे कि 1 की स्पेलिंग O-N-E-1, इस तरीके से 1 to 20 तक बच्चों को लर्न कराया जाता है। बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, मिसिंग नंबर और नंबर बिटवीन भी कराए जाते हैं। साइज़ कराया जाता है, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट, लाइट, हैवी, वाइड, नैरो, और मनी वैल्यू भी सिखाई जाती है, जैसे कि 1 रुपी के कॉइन या 2 रुपीज़ के कॉइन है, वो भी बच्चों को काउंट करना सिखाया जाता है, उनकी वैल्यूज़ उनको सिखाई जाती है। मैथ्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में प्री राइटिंग वर्क कराया जाता है, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन कराई जाती है, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व्स, ज़िगज़ैग, कैपिटल लेटर्स कराए जाते हैं A to Z, जिनका राइटिंग भी कराया जाता है, हर लेटर का रिकॉग्निशन भी कराया जाता है। ऑब्जेक्ट्स भी कराए जाते हैं, लाइक A for Apple, B for Boy, ये सारी चीज़ें, जो भी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो कराया जाता है। स्मॉल लेटर्स कराए जाते हैं A to Z, सेम वही राइटिंग कराया जाता है, रिकॉग्निशन कराया जाता है, और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की मैचिंग कराई जाती है, लाइक कैपिटल A लिख दिया जाएगा और स्मॉल A भी, और काफ़ी सारे लेटर्स लिख दिए जाएंगे कैपिटल के वन साइडेड, और रैंडमली स्मॉल लेटर्स भी लिख दिए जाएंगे, और सेम लेटर्स को आपको मैच करना होगा कैपिटल का स्मॉल के साथ। वॉवल्स भी करा दिए जाते हैं, कंसोनेंट भी कराए दिए जाते हैं, फोनिक साउंड सिखाया जाता है, लाइक ए इज़ फॉर एप्पल, एप्पल, बी इज़ फॉर बॉल, बॉल, लाइक ए का साउंड हुआ ए, बी का साउंड हुआ ब। 10 to 15 तक CVC वर्ड्स कराए जाते हैं। पोजिशंस कराई जाती है, लाइक इन, आउट, फार, नियर, अबव, अंडर, बिग, स्मॉल, लेफ्ट, राइट। कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती है बच्चों को, जैसे कि डायरेक्शन बच्चे अच्छे से समझ पाएँ कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, बिग स्मॉल, लाइक बहुत सारे टॉयज़ दे दिए जाते हैं, सेम टॉयज़, जैसे कि कोई बड़ा टॉय है और उसी जैसा दिखने वाला स्मॉल साइज़ का है टॉय, और बच्चों को सिखाया जाएगा कि बिग टॉय, स्मॉल टॉय, दिस दैट और दीज दोज का कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाता है। अपोजिट सिखाए जाते हैं, लगभग 20 to 30 पेयर्स सिखाए जाते हैं। राइम्स और स्टोरीज सिखाई जाती हैं, जिसमें 15 राइम्स होती हैं और 4 to 5 स्टोरीज होती है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितना कुछ भी सिलेबस है, मैं सब कुछ आपको एक एक वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और भी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। मेरा खुद का बच्चा भी 3.5 साल का है, वो नर्सरी पास आउट है और अभी वो KG में है, तो मुझे सब कुछ पता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और जो भी उनके स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही है मैं वो सारी एक्टिविटीज़ आपको शेयर करूँगी। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड एनवायरमेंटल साइंस। जनरल नॉलेज में बच्चों को बॉडी पार्ट्स कराया जाता है, सेंस ऑर्गन, माई सेल्फ, माई फैमिली, माई हाउस, नेबरहुड, एनिमल्स कराए जाते हैं, लाइक वाइल्ड एनिमल, फार्म एनिमल, पेट एनिमल, एनिमल रोम्स, एनिमल साउंड्स, एनिमल एंड यंग वंस, थिंग्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल, जो भी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं वो सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है। ये सारी जनरल नॉलेज है। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट में बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट,
big and small trees, things we get from plant and trees, fruits and vegetables कराए जाते हैं, और ये भी बताया जाता है things we get from fruits and vegetables, क्या क्या चीज़ें हमें fruits और vegetables से मिलती है. Living things और non living things में difference सिखाया जाता है, means of transport सिखाया जाता है, modes of transport बताया जाता है, colors recognition कराया जाता है, like starting में उनको primary और secondary colors बताए जाते हैं. उसके बाद इंटरमीडिएट कलर, लाइक कौन से कलर को मैच करके, दो कलर को आप जब मिक्स करते हैं तो नेक्स्ट क्या कलर बनता है दोनों को मिक्स करने के बाद, तो ये इंटरमीडिएट कलर्स भी सिखाए जाते हैं बच्चों को. जो भी हमारे कम्युनिटी हेल्पर होते हैं आसपास, वो सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है. बर्ड्स बताए जाते हैं, पेट और वाइल्ड बर्ड्स, बेसिक पार्ट्स ऑफ अ बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड, इंसेक्ट्स लाइक जो भी डिजीजेस फैलाते हैं, मॉस्किटो और क्रोच, हमारे घर में आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं इंसेक्ट्स की वजह से, जो जो बीमारियां हो रही होती हैं, बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. और वो भी इंसेक्ट्स बताए जाते हैं जिनसे कोई भी डिसीज़ नहीं फैलती है. वाटर एनिमल्स कराए जाते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ फिशेस, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फिशेस, सोर्स ऑफ वाटर एंड यूजेस ऑफ वाटर. इससे बताया जाता है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे तरीके से पानी का कैसे यूज़ करना है. जैसे कि सुबह बच्चे ब्रश कर रहे होते हैं और ब्रश करते वक्त टैप को खुला छोड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ें गुड हैबिट्स बच्चों को सिखाई जाती हैं कि पानी को बंद करना है उसके बाद ब्रश करना है. तो आप ब्रश अच्छे से कर लें, उसके बाद आपको नल का यूज़ करना है, टैप ऑन करना है, मतलब किस तरीके से आप किस तरीके से आप पानी को बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं. गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स बताया जाता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बताई जाती हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं. अगर बच्चों को नॉर्मली कहा जाए कि आपको पिज़्ज़ा, बर्गर या नूडल्स नहीं खाना है, तो बच्चे नहीं मानते हैं. लेकिन जब स्कूल्स में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, मैम उनको बार बार बोलती हैं, तो बच्चे घर में भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं. इवन अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं कि मॉम ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, नूडल्स अच्छा नहीं है, चॉकलेट अच्छा नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर हमें नहीं खाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें एलकेजी में सिखाया जाता है. सीज़न सिखाए जाते हैं, सीज़नल फूड हुआ, सीज़नल क्लोथिंग हुई, समर विंटर में डिफरेंस बताया जाता है, समर में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, और विंटर आता है तो जैकेट्स, स्वेटर्स, वूलन कपड़े पहने जाते हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर बताया जाता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बताई जाती है, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बताया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता है, लेकिन बेसिक लेवल पे बच्चों को छोटा छोटा बताया जाता है जिससे कि उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो. पेंट कराया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे, लाइक MS पेंट, बहुत ही हल्का सा कुछ करवा देते हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई पेंटिंग कराई जाएगी, बस हल्का सा कुछ कलर उनको करने को दिया जाता है, साथ में उनको गाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं. माइनर भी बताया जाता है, लाइक नेशनल एनिमल, नेशनल सिंबल, फ्लावर, फ्लैग, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लाइक 26 जनवरी या 15 अगस्त, ये सब चीज़ें बच्चों को कराई जाती हैं. और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इंडिया के, वो सब कुछ कराया जाता है. पर्टिकुलर हर मंथ में हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती है, और फेस्टिवल क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इंडिया के लिए, सारी चीज़ें बच्चों को कराया जाता है. उनको सिर्फ स्वर और व्यंजन कराए जाते हैं, सीक्वेंस भी कराए जाते हैं. पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं.